أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم بزرگان محترم اور میرے نوجوان ساتھیوں عزیز دوستوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں حالات سے ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ کس طرح حالات کو بدلنے اور حالات میں زہر گھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ تمام نے واقعات دیکھے ہیں، نہ صرف گزشتہ واقعہ بلکہ اس سے پہلے اسلام کو لے کر، قرآن مجید کو لے کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کر، مسلمانوں سے آپ کے محبت کو لے کر،
या फिर मुसलमानों के दीगर ईमानियात के जुज़ियात को लेकर जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, ये तमाम के तमाम हालात मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए हैं। ये एक वाकिया नहीं बल्कि इससे पहले जितने वाकियात पेश आए हैं और उसके जितने रद्द अमल पेश आए हैं, इन तमाम के पीछे मकसद मुसलमानों की कमज़ोरी है। आप देखें, सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमान एक अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप 10-15 साल पहले से देखते हुए आएँ, पहले तो मुसलमानों को घर वापसी के ज़रिए नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई, कभी मुसलमानों के पर्सनल लॉ में तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश की, उसमें कमज़ोर करने का साजिश की गई, और उसके बाद वाकियात आते गए यहाँ तक कि जब उन्होंने देखा कि कोई भी काम इनके यानी ईमान को नहीं पास कर रहा, कोई भी काम, कोई भी हमारी साजिश इनको बर्बाद करने में, इनको कमज़ोर करने में कारगर साबित नहीं हो रही, तो इन्होंने कुरान मजीद का सहारा लिया, कुरान मजीद में शुकों को शुभात पैदा करने की कोशिश की, और उसके बाद मुसलमानों के बुनियादी घर मसाजिद को किनारा बनाया, और उसके बाद जब इसमें भी काम नहीं बना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर उन्होंने तान व तशनी करने की कोशिश की। इसलिए कि सारे गैर मुस्लिम जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, मुसलमान भी जानते हैं, गैर मुस्लिम भी जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हर मुसलमान के दिल में घर किए हुए हैं। हर मुसलमान के दिल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का बीज बोया हुआ है जो हर मुसलमान के रग में दौड़ता है खून के साथ। तो अब किसी भी मुसलमान को नहीं, डायरेक्ट अगर उसे मुखातब करना है, डायरेक्ट उससे नहीं उसको तकलीफ़ पहुंचानी है या मुसलमानों को कमज़ोर करना है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करो और फौरी अपनी यानी समझिए कि अपनी वाहवाह भी हो जाएगी, अपनी बड़ाई भी हो जाएगी और एक मुसलमान कौम से मुखातब करने का मौका भी मिल जाएगा। ये सारी बातें आप जानते हैं। अब इसके बाद दूसरा अहम मामला ये है कि जो इस किस्म की गुस्ताखियाँ हैं, उस गुस्ताखियों के अंजाम भी हम सब जानते हैं। इन तमाम के अंजाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो अल्लाह के नबी के मुखालिफ थे, जिन्होंने अल्लाह के नबी पर ताना किया, अल्लाह के नबी को बद्दुआ दी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने की कोशिश की, इन तमाम के अंजाम किया हुए तारीख जानती है और लोग जानते हैं। अब इस पर हम बहस नहीं करेंगे। आप वाकियात आप तमाम के सामने हैं। अबू जहल का क्या माजरा पेश आया, अबू लहब का माजरा क्या पेश आया, अबू लहब के बेटे के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की थी कि तुम्हें कुत्ते काट कर खाएंगे, और ऐसा ही मामला हुआ। उसको बचाने की लाख कोशिशें की गई लेकिन फिर शेर ने उस पर हमला किया। और बताया जाता है तारीख के वाकियात में कि जब सारे लोग वहां पर सोए हुए थे तो शेर एक एक के गला सूंघते हुए जा रहा था, ताकि ये तलाश कर रहा था कि मेरा मतलूब ये नहीं वो है। इस तरह सारे लोगों की गर्दनें जब सूंघ गया और ऊपर चढ़कर देखता है, वहां पर उसका बेटा अबू लहब का बेटा होता है, वहां पर चढ़कर उसके गले को नोच लेता है। तो ये सारे वाकियात हम तमाम के सामने हैं। यहूदी का वाकिया जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पेश आया, जो अल्लाह के नबी का कातिब था, लिखा करता था, उसने अल्लाह के नबी के सिलसिले में रूमर्स फैला दिए कि अल्लाह के नबी को कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता, मैं जो बताता हूँ वही अल्लाह के नबी जानते हैं। अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की, जब उसका इंतकाल हुआ, जब वो मर गया, उसको दफनाया गया, तो उसकी कब्र ने उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया। दूसरी मरतबा दफनाया गया, दूसरी मरतबा भी कब्र ने निकाल कर बाहर फेंक दिया, तीसरी मरतबा भी यही माजरा पेश आया, तो सारे लोग जान गए कि अल्लाह के नबी की गुस्ताखी का यह नतीजा उसके साथ हुआ है। ये सारे वाकियात हम तमाम के सामने हैं। अंजाम बतलाना असल मकसूद नहीं है। आप तमाम दीगर अंजाम भी जानते हैं। वक्त के एतबार से जिन जिन लोगों ने अल्लाह के नबी के साथ साजिशें की, अल्लाह के नबी के ऊपर ताना करने की कोशिश की, अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करने, कमी करने की कोशिश की, उनके साथ क्या वाकियात पेश आए, उनका अंजाम दुनिया ने क्या देखा, और उनकी इबरतनाक मौत कैसे आई, उनका इबरतनाक अंजाम कैसे हुआ, ये सारी तारीख की किताबों में मौजूद है। अब हम अपने असल उनवान की तरफ आते हैं। ये गुस्ताखियां सिर्फ इस वक्त की बात नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब से नबी बनाया गया तभी से सिलसिला जारी है। न सिर्फ अल्लाह के नबी, बल्कि अल्लाह के नबी से पहले जितने अंबिया-ए-कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हैं, तमाम के साथ यही मामला पेश आया है।
तमाम के साथ यही मामला पेश आया है। हत्ता कि ईसाइयों की किताबों में लिखा हुआ है, ईसाइयों की इंजील में लिखा हुआ है कि हजरत लूत अलैहि सलातो वस्सलाम ने जब सारी नस्ल खत्म हो गई तो अपनी बच्चियों के साथ उन्होंने निकाह कर लिया था। तो इस तरह के नाजेबा अल्फाज अंबिया कराम अलैहि सलातो वस्सलाम के लिए इस्तेमाल करना यह इस्लाम दुश्मनों की साजिश है। शैतान इस रास्ते से भी लोगों को गुमराह करता है और गुमराही फैलाने की कोशिश करता है। अब आते हैं हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियों के सिलसिले में हमारा क्या रद्द अमल होना चाहिए। सबसे पहली और बुनियादी बात हम तमाम को ये मालूम होनी चाहिए कि गैर मुस्लिमीन इस्लाम के सिलसिले में अपने दिलों में नफरत रखते हैं। ये साफ और बुनियादी बात है। साफ बात यह है कि हर गैर मुस्लिम के दिल में कहीं ना कहीं इस्लाम के खिलाफ, अल्लाह के नबी के सिलसिले में, कुरान मजीद के सिलसिले में, या फिर निज़ाम इस्लाम के सिलसिले में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम के सिलसिले में, इस्लामी जमहूरिया के सिलसिले में कुछ ना कुछ बैर और कुछ ना कुछ उनके दिल में खदशा रहता है, खलीश उनके दिल में रहती है। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस सिलसिले में बयान फरमाया, उन्होंने अपनी जबानों से अपनी बगजा का, उनके दिलों में जिस किस्म का खौफ था, उनके दिलों में जिस किस्म की समझिए कि साजिश थी, उन्होंने अपनी ज़बानों से जाहिर कर दिया। वमा तुख्फी सुदूरहुम अकबर, इसके बावजूद भी उनकी ज़बानों को देखकर आप यह ना समझिए कि असल उनकी दुश्मनी है, बल्कि वमा तुख्फी सुदूरहुम अकबर, उनके दिलों में जो बात है वो उससे ज्यादा है, जो अपने दिलों में छुपाए रखते हैं वो उससे कहीं ज्यादा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले उम्मत मुस्लिमा को इस बात की समझिए कि बता दिया है। अब उसके बाद रद्द अमल के तौर पर ये तो मामला है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का। अब इसके बाद उम्मत मुस्लिमा ने तीन एतबारात से इसके रद्द अमल पाए जाते हैं। आज के इस दौर में आप देखें तीन तरह के लोग हैं इस रद्द अमल को अंजाम देने के लिए, किस तरह उनका जवाब देना चाहिए, या फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हो तो अपने दिल में कैसे जज्बात रखने चाहिए, अपनी जबान कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए, अपने जहनों को किस तरफ मोड़ना चाहिए। इस सिलसिले में तीन तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले लोग वो हैं जो इल्म की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत जैसी दिल में होनी चाहिए वह अपने अल्हम्दुलिल्लाह दिल में लिए हुए और किताबो सुन्नत की रोशनी में कवानीन के हुदूद में रहते हुए अपनी महब्बत का इजहार करते हैं। और अल्लाह के नबी पर अगर कोई गुस्ताखाना कलिमात का अंजाम देता है तो उसका रद्द अमल तमाम हुदूद में रहते हुए अपनी जबानों से अदा करते हैं, और ऐसा करना एक मुसलमान के ईमान की दलील है। आप यह बात जान लें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारी अपनी ईमान का हिस्सा है, हमारी अपनी इज्जत और आबरू से बढ़कर अल्लाह के नबी की इज्जत और आबरू का मामला एक मुसलमान का होना चाहिए। यह अहम मामला है। ये पहले लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनके पास दीनी इल्म भी है, दुनियावी इल्म भी है, हिकमत भी है, और उनके पास वक्त के लिहाज से तकाजों को देखते हुए क्या रद्द अमल अपनाना चाहिए, क्या हिकमत अमली अपनाना चाहिए, वह सलीका भी इनके पास है। पहले किस्म के लोग ये हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सही एतबार से काम करते हैं। दूसरे किस्म के लोग जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में या फिर जब कभी इस्लाम पर किसी किस्म का एतराज गैर मुस्लिमीन करते हैं तो दूसरे किस्म के हमारे अपने मुसलमानों में से हमारी अपने सफों में कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं जो सेक्युलर जहन होने के नाहिए से, जो अपने आप को इस कदर सेक्युलर जाहिर करना चाहते हैं कि अपनी ईमानियात का सौदा कर बैठते हैं। मैं आपके सामने साफ यह बात कह रहा हूं कि जो लोग एजुकेटेड हैं, जो लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, मैं खुद भी यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म हूं, मास्टर्स का तालिबे इल्म अल्हम्दुलिल्लाह, और काफी लोगों से ऐसे मुलाकात करने का मौका मिला और काफी लोगों के उनके जहनों को पढ़ने का और उनकी जबानों को सुनने का मौका मिला। वो लोग अपने जहनों में खुद इस्लाम के खिलाफ साजिश रखते हैं, खुद अपने जहनों में अल्लाह के नबी की जिंदगी से मुतालिक काफी एतराजात उनके दिल में होते हैं। ईमान ईमान नाम का उनका होता है लेकिन दिल में ईमान कभी घर नहीं कर पाता। ऐसे मुसलमान सेक्युलरिस्ट अपने आप को बताने के लिए, या फिर आप यूं समझे कि अपने आप को गैरों के सामने ये बताने के लिए कि हम तो आपके भी हैं, हमारे भी हैं, तमाम के हैं, ये बताने के लिए ये हर हद पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने अकीदे का सौदा कर बैठते हैं, अपने ईमान का सौदा कर बैठते हैं, अपनी तमाम चीजों का सौदा कर बैठते हैं। तो मेरे भाइयों, सबसे पहली बुनियादी बात हमको ये मालूम होनी चाहिए कि इस्लाम के कौन से दर्जे को किस दर्जे में रखना है, इस्लाम के किस हुक्म को, इस्लाम के किस अमल को किस दर्जे में रखना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो
तो फौरन आपके ईमान पर हमला होने जा रहा है। कुरान मजीद की बात हो तो आपके दस्तूर को मिटाने की बात की जा रही है। मसाजिद की अगर बात हो तो आपकी शनाख्त खत्म करने की बात की जा रही है। तो ये असल बुनियादियात हैं इस्लाम के, ये फंडामेंटल्स हैं। अगर अल्लाह के नबी की जिंदगी पर कोई एतराज करता है तो गोया सारी उम्मत पर एतराज कर रहा है। अगर अल्लाह के नबी पर कोई ताना कर रहा है तो गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ताना कर रहा है। अगर कोई अल्लाह के नबी की बेएतबारी लोगों के सामने जाहिर करता है, अगर अल्लाह के नबी को समझे कि इंसल्ट करता है, तो गोया सारी इंसानियत के इंसल्ट करने की बात है, सारी मुस्लिम कौम को इंसल्ट करने की बात है। वजह यह है कि अल्लाह के नबी का ताल्लुक हर एक के दिल से जुड़ा हुआ है, हर एक के दिल से अल्लाह के नबी का ताल्लुक जुड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी को कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो गोया हमारे सर भी नीचे हो जाना चाहिए, हमारा सर भी उसके साथ नीचे होता है अगर कोई अल्लाह के नबी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो हमारे वजूद से उसका ताल्लुक है। अल्लाह के नबी की बेएतबारी गोया हमको बेएतबार बनाने के बराबर है। अगर कोई अल्लाह के नबी को अनऑथराइज कहता है, अगर कोई कुरान मजीद को अनऑथराइज करता है, तो गोया हम पर यह सवालिया निशान है कि हम ऐसे नबी की पैरवी कर रहे हैं जो खुद अनऑथराइज्ड है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी सुनने के बाद अगर कोई मुसलमान अपने आप को सेक्युलर जाहिर करते हुए खुद अपनी जानिब से एतराज करता है कि फुला मामला अल्लाह के नबी का ऐसा नहीं होना चाहिए था, फुला निकाह अल्लाह के नबी के साथ ये जो हुआ ये एतराज वाला निकाह है, फुला फैसला अल्लाह के नबी ने ये जो किया ये गैर यानी अच्छा फैसला नहीं है, ऐसी मामलात अगर कोई मुसलमान अंजाम देता है तो गोया मेरे भाई अपने ईमान का सौदा कर रहा है। अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो उदखुलू फिस्सिल्म काफा, मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तौर पर अपने आप को इस्लाम की मोहब्बत को अपने दिल में बिठा लो। ये क्या मामला कि आप अपने आप को मुसलमान कहलाएं, ये क्या मामला कि आप मुसलमानी घराने से कहलाएं, ये क्या मामला कि आप जब कभी फायदा हो तो मुसलमान इस्लाम में दाखिल हो जाएं और जब कभी इस्लाम पर एतराज हो तो अपने आप को इस्लाम से बरी कर लें। आप ये कहें कि फला जो फैसला अल्लाह के नबी ने किया मैं उससे एतराज रखता हूं, मैं उससे बरी हूं, यह क्या मामला? इस्लाम किस बात का है? ये किस चीज का मुसलमान आप हैं? ये अपने ईमान के होने की क्या बदलील आप साबित कर रहे हैं? अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं उदखुलू फिस्सिल्म काफा, अपने आप को मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल करो। आपको अल्लाह के नबी के हर फैसले से मोहब्बत होनी चाहिए, आपको अल्लाह के नबी के हर मना करदा चीज से नफरत होनी चाहिए, आपको अल्लाह के नबी के आपके अपने दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत तमाम चीजों की मोहब्बत से ज्यादा होनी चाहिए। आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर कोई बंदा साजिश करता है, गुस्ताखाना कलिमात करता है, तो आपके दिल में उससे मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत पनपनी चाहिए और आपके हत्तल इम्कान अपने हुदूद में रहते हुए उस नफरत का इजहार करना भी ईमान का हिस्सा है, उस नफरत का इजहार करना भी ईमान का हिस्सा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इज़ा रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, तुम में से अगर कोई मुनकर गलत काम देखता है तो अपने हाथ से रोके, फइन लम यस्ततिअ फबिलिसानी, अगर वो इस बात का ताकत अपने अंदर नहीं रखता कि हाथ से रोके तो अपनी जबान से रोके, अगर अपने जबान से रोकने का भी वो अपने अंदर इस्तेआत नहीं रखता, कुव्वत और ताकत नहीं रखता, एबिलिटी नहीं रखता, फबिकल्बी, आखिरी दर्जा यह है कि वह अपने दिल में बुरा समझे, वज़ालिक अज़ाफुल ईमान, और यह दिल में रखना भी ईमान की कमजोरी की दलील है। दिल में छुपाए रखना, अपनी जबान से जाहिर न करना, यह भी अपने ईमान की कमजोरी की दलील है। तो आप ये लोग सोचे जो ईमान में भी बुराई नहीं समझते बल्कि ये समझते हैं कि अल्लाह के नबी ने फुला फुला मामलात में फैसला सही नहीं किया, जो चोर पर हद जारी की जाती है वो हद सही नहीं है बल्कि कुछ और होना चाहिए था, ऐसे इस्लाम के फैसलों को लेकर अपने दिल में किसी किस्म का बैर रखते हैं, तो गोया आप कान खोल कर सुन ले, आपने अभी इस्लाम को जाना ही नहीं है, अभी आपने ईमान को जाना ही नहीं है, अभी आपने ईमान पे अल्लाह के नबी से मोहब्बत लाने का क्या दर्जा होना चाहिए, कैसे ईमान लाना चाहिए, वो आपने नहीं जाना। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, ज़ाक़तामल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिया, कि ईमान का मजा उसी आदमी को मिलेगा, ईमान की चाशनी, ईमान की मिठास, ईमान की तमाम किस्म की मिठासें उसी आदमी को मिलेंगी जो आदमी इस्लाम से राजी हो गया दीन होने को लेकर, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना रब समझकर राजी हो गया और अल्लाह के नबी को अपना आखिरी नबी समझकर राजी हो गया, अपने सर खम कर दिए हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तो ऐसे आदमी को ईमान की मिठास मिल पाएगी। तो आपके ईमान लाने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप अल्लाह के नबी के सिलसिले में किसी किस्म का कोई बैर रखते हैं। अगर आपके दिल में कोई सवाल है अल्लाह के
نبی کی سیرت کو لے کر، اگر آپ کے دل میں کوئی سوال ہے اللہ کے نبی کی فیصلوں کو لے کر یا پھر قرآن مجید کے فیصلوں کو لے کر، آئیں پوچھے، سوال کریں، ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ علماء کرام ہیں، ان سے سوال کریں۔ اگر یہاں پر مسئلہ حل نہیں ہوتا، کبار علماء کرام الحمدللہ ہیں، ان سے سوال کریں گے، لیکن ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے، غیروں کی محبت حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ ان کی محبت کا کیا فائدہ جو خود محبت کرنا نہیں جانتے، ان کی محبتوں کا کیا فائدہ جو خود نہیں جانتے کہ اپنے معبودان سے کیسی محبت کرنی چاہیے، ان کے اخلاق کا اعتبار آپ کیا کریں گے جو خود بے اعتبار ہیں، ان کی محبتوں کو آپ کیسے لیں گے جو خود یعنی نہیں جانتے کہ ان کا معبود کون ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کے لیے اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ آپ ایجوکیٹڈ ہوں گے، الحمدللہ ہم بھی ایجوکیٹڈ ہیں، ہم کوئی انایجوکیٹڈ پرسن نہیں ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ وقت کا تقاضا کیا ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کیا ہے، لیکن اپنے آپ کو ایمان والا بنانا، ایمان پر ثابت قدم رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ اپنے آپ کو سیکولر بتاتے ہوئے ایتھیزم اختیار کرتے جائیں، سیکولر ہونا ضروری ہے لیکن اسلام کے حدود میں ہونا ضروری ہے۔ آپ اپنے ایمان کا کبھی سودا نہ کریے، اپنے عقیدے کا کبھی سودا نہ کریے، اسلام کے فنڈامنٹلز کا کبھی سودا نہ کریے۔ اگر ایسا کریں گے نہ ان کی محبتیں مل پائیں گی اور نہ آخرت میں آپ کامیاب ہو پائیں گے۔ خود اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی سے کہا، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، آپ ان کی محبت چاہتے ہیں، وہ غیروں کی محبت چاہتے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ ان کی محبت نہیں پا سکتے یہاں تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کر لیں۔ ان کی محبت کا اعتبار کیوں کر رہے ہیں آپ؟ پہلی بات میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو مسلمانوں میں سے ہوتے ہوئے اسلام کے خلاف اپنے دل میں اعتراض رکھتے ہیں، نہ صرف دل میں رکھتے ہیں بلکہ اپنے زبانوں سے اس کا اظہار کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں، جن کو خوش کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ کبھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ جن کا اعتبار حاصل کرنے کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں وہ خود بے اعتبار ہیں۔ جن کو رضامند کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب ان کے آپ مذہب کو اختیار نہیں کر لیتے۔ دیکھیے، ایک آدمی نے، مسلمانوں میں سے ہوتے ہوئے، خود مسلمان نہیں تھا، شیعہ تھا، اس نے ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کام نہیں کیے، ہر کام اس نے کیا۔ قرآن مجید میں سے آیتوں کو نکالنے کی بات اس نے کہی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس کو اپنا مذہب تبدیل کرنا پڑا۔ اللہ رب العالمین کی اس سے بڑی کوئی اور سزا دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک عبرت ہمارے سامنے ہے، یہ عبرت ہمارے سامنے ساری صدی یہ بات یاد رکھے گی، ایک سنچوری تک یہ واقعہ عبرتناک رہے گا۔ لہٰذا اپنے ایمان کی حفاظت کی ہم پرواہ کریں گے، پہلی اور بنیادی بات یہ ان لوگوں کے حق میں جو مسلمانوں میں سے ہوتے ہوئے اسلام کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف، قرآن مجید کے احکامات کے سلسلے میں اپنے دل میں بیر رکھتے ہیں، اعتراض رکھتے ہیں۔ آپ کا اعتراض ہے، الحمدللہ اعتراض ہوگا، سوال پیدا ہونا اچھی بات ہے، آپ آئیں علماء سے پوچھیں، اسلامک اسکالر سے آپ اپنے مسائل کو حل کریں، بنیادی بات۔ دوسری اور اہم بات، جو دوسرا رد عمل لوگوں سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی تیسرا رد عمل، پہلے تو وہ لوگ ہیں جو اپنے علم کے مطابق، اسلام کے مطابق، قوانین کے حدود میں رہتے ہوئے نفرت کو ظاہر کرتے ہیں، اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے، ایمان کا حصہ ہے۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو سیکولرسٹ اپنے آپ کو اتنے بدلاتے ہیں اسلام کی ساری حدیں پار کرتے چلے جاتے ہیں۔ تیسرا اور اہم نوجوان وہ ہیں جو ہم میں سے اکثر پائے جاتے ہیں، جو الحمدللہ ایمان کا ہونا ضروری ہے، اللہ کے نبی سے محبت کا ہونا یقیناً ضروری ہے اور یہ قابل تحسین بات ہے، لیکن اس محبت کو ظاہر کرنے کے لیے اسلام کے پابند ہونا یقینی ہے۔ اس نفرت کو ظاہر کرنے کے لیے جو اسلام کے خلاف پھیلائی جاتی ہے، اسلام کے حدود میں ہونا اور ہمارے آئین کے حدود میں ہونا ضروری ہے۔ ہم اسی میں رہتے ہوئے محبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، ایمان ایک مسلمان کا کیسے ہونا چاہیے اللہ کے نبی کی محبت کو لے کر۔ ایک مرتبہ ان کو سولی پر چڑھایا جانے والا تھا، جب سولی کے لیے پورا پھندا تیار کر دیا گیا، ساری قوم سامنے آ گئی، اللہ کے نبی ابھی مدینے میں باحیات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو مکہ میں سولی چڑھائی جانے والی بات کی جا رہی ہے، تو ان کو جب پھندا تیار کر دیا گیا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر پیش کیا گیا، تو حضرت خبیب سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا تانا کرتے ہوئے کہ اے خبیب، تم کیا پسند کرتے ہو کہ تمہارے بدلے محمد کو یہاں پر رکھ دیا جائے، تمہارے بدلے نعوذ باللہ محمد کو یہاں پر رکھ دیا جائے اور محمد کو یہاں پر تمہارے بدلے سولی چڑھا دی جائے، تمہاری کیا بے وقوفی ہے کہ تم نے اسلام قبول کیا، تم نے ان کو مانا اور ان کو ماننے کی وجہ سے تم کو یہاں پر پھانسی دی جا رہی ہے۔ اس موقع پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے پھانسی دے دی جائے، مجھے پھانسی دے دی جائے، میں پسند کروں گا اس بات سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چبھے، کانٹا چبنا بھی میں برداشت نہیں کروں گا اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، یعنی اللہ کے نبی کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے مجھے اپنی جان بھی گنوانا پڑی تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ ایمان ہر مسلمان کا اپنے دل میں ہونا چاہیے، لیکن اس کو اظہار کرنے کے لیے، اس محبت کو اظہار کرنے کے لیے
मोहब्बत को इजहार करने के लिए इस्लामी हुदूद के साथ साथ, चूंकि हम हिंदुस्तानी हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, इंडियन सिटीजनशिप का लिहाज करना भी जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का लिहाज करना भी जरूरी है, उस हुदूद में रहना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए सारे हुदूद पार करते चले जाएं, हम उसका भी इजहार करेंगे तो अपने हुदूद में रहते हुए करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बचाया है। तो पहली और बुनियादी बात यह है कि जब कभी ऐसी खबर हमको पहुंचती है तो हम उसको जांचें, परखें और उसके बाद अपने दिल में उस चीज को पैदा करें कि अल्लाह के नबी की मोहब्बत के खिलाफ नफरत बीज बोने की बात की जा रही है। दूसरा और अहम मामला हमारा अपना यह फरीजा बनता है कि हर खबर को फैलाने से हम बचें। ऐसी जितनी किस्म की खबरें आती हैं उन तमाम खबरों को फैलाने से आप बचें, अपने आप को बचाएं। देखिए, आपके पास खबर आती है नाजेबा कलिमात एक औरत अदा कर रही है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और आप उसको नशर करते फिर रहे मुसलमानों के दरमियान, गैर मुस्लिमीन के दरमियान, गोया आप उसकी टीआरपी बढ़ा रहे हैं, गोया आप उसको फेमस कर रहे हैं। ये सारे लोग जो अल्लाह के नबी के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, जितने सालों से बोला जा रहा है, जो आदमी फेमस होना चाहता है, जो आदमी अपने आप में फेम चाहता है, वही आदमी ये बोलता है और वो फेमस हो जाता है। तो लिहाजा उसको फेमस करने से बचाना भी तो हमारी जिम्मेदारी है और अल्लाह के नबी की इज्जत और आबरों की हिफाजत और अल्लाह के नबी के खिलाफ ऐसे कलिमात अदा किए जा रहे गोया अगर हमारे वालिद के लिए अदा किए जाते या फिर हमारे घर की माँ बहन के लिए अदा किए जाते तो क्या हम पसंद करते? जब हम उनके लिए पसंद नहीं करते तो अल्लाह के नबी के लिए जब ऐसी बात की जाती है तो स्टेटस रखकर गोया आप क्या बता रहे हैं, गोया आप क्या बता रहे हैं मेरे भाई? वैसे कलिमात को बार बार अपने स्टेटस पर लगाने से, फॉरवर्ड करने से आपको क्या हासिल हो रहा है? आप अपने ईमान को जगाएं, अपने ईमान को जगाने के साथ साथ आप बस ये बात कहें कि फला चैनल पर ऐसी बात की गई थी जो कि बिल्कुल नाजेबा है और उसके खिलाफ हम मुकम्मल तौर पर यानी प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं अपनी जबान से आप अदा करें, लेकिन उस वीडियो क्लिप को बार बार फॉरवर्ड करते जाना है बिल्कुल नाजेबा है, अल्लाह के नबी के समझे कि तालीमात के खिलाफ है, कुरान मजीद की तालीमात के खिलाफ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वही इदाजा من الامن او الخوف اذاعوا به के मुनाफिकीन की यह अलामत है, कमजोर ईमान मुसलमानों की यह अलामत है, जिनके दिल में कमजोर ईमान होता है, किसी भी तरह की खबर आती है तो उसको आम करने लग जाते हैं, अदा भी आम करने लग जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको नसीहत करते हुए कहा लो रुद्दू इला रसूल इला उलिल अम्र मिनहुम, अगर वो इस खबर को अल्लाह के नबी की जानिब फेर देते या फिर जो लोग इल्म वाले हैं, जो लोग यानी इख्तदार वाले हैं, जो लोग अच्छे महल्ले में बड़े हैं या फिर जो पॉलिटिशियंस हैं उनके पास ये बात पहुंचा देते या फिर जो ऊंचे ऑर्डर के लोग हैं उनके पास ये बात पहुंचा देते तो कम से कम वही कुछ काम करते। लयस्तंबितो न हो मिनहुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वो इस सिचुएशन का कोई सोल्यूशन निकालते, इस हालात का कुछ वो यानी कोई जवाब की तलाश करते। ऐसा करने के बजाय हम किसको भेजते हैं? घर की कामवाली को हम बताते हैं, फुला हमारे एक दरबार में, हमारे एक दुकान में काम करने, वो क्या करेगा सब देखकर? मेरे भाई, ऐसा करने से बचना चाहिए। दूसरी और अहम बात ये हमारी होनी चाहिए। इसी तरह कानून के दायरे में रहते हुए एक और अहम बात यह है कि जब कभी ऐसे अल्लाह के नबी के खिलाफ या कुरान मजीद के खिलाफ जब कभी ऐसे मामलात पेश आए, हमारे अपने मुसलमान नौजवान अनकंट्रोल हो जाते हैं, अपना कंट्रोल खो बैठते हैं। कंट्रोल खोने के बाद वो एक यानी जिस तरह उन्होंने अपने नबी के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए वैसे ही उनके माबूदान के लिए, वैसे ही उनके देवताओं के लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मेरे भाई, बिल्कुल नाजेबा है, बिल्कुल नाजेबा नहीं बल्कि इस्लाम के खिलाफ है ऐसा करना। गैर मुस्लिम के माबूद के लिए अपने अल्फाज को गलत इस्तेमाल करना, गालियां बकना या फिर अपनी जानिब से ऐसी बात करना जो उनके माबूद को इंसल्ट करने वाली हो, यह उनके लिए ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं बल्कि हमारे इस्लाम के हुक्म के खिलाफ है, हमारे इस्लाम के तालीमात के खिलाफ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वला तसुब्बुल्लज़ीना यदउना मिन दूनिल्लाह, कि आप उनको गाली न दें जो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करते हैं, आप उनको गाली न दें। मामला क्या होगा अगर उनको गाली देंगे? फयसुब्बुल्लाह अदवम बगैर इल्म, तो वो अपनी दुश्मनी का इजहार करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी गाली देंगे। तो लिहाजा अपनी जबानों का हम लिहाज करें। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी ट्वीट कर दिए, कुछ भी हम इंस्टाग्राम पे रील डाल दिए, कुछ भी हम कर दिए, ये मामला नहीं होना चाहिए बल्कि हुदूद में रहते हुए
अपने हुदूद का लिहाज हमको करना चाहिए। अब इसी तरह हुदूद में रहते हुए जो मामला आज हम अंजाम दे सकते हैं, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मदद के जरिए जो काम हम अंजाम दे सकते हैं वो मैं आपके सामने मुख्तसर तौर पर बयान कर दूंगा। आप देखिए कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हुकूक हमको दिलाता है, हमारे अपने राइट्स हमको दिलाता है। तो हम जब मुसलमान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमसे ये कहता है, यहाँ की हुकूमत हमसे ये कहती है कि हम और हम आपकी हिफाजत करने वाले, आपकी इज्जत और आबरू, आपके एहसासात की हिफाजत करने वाले हैं, तो हम तमाम मुसलमान एक होकर ये जवाब दें, हम तमाम मुसलमान एक होकर ये जवाब दें, हमारी इज्जत, हमारा माल, हमारी इज्जत और आबरू तमाम एक तरफ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और आबरू एक तरफ। हम तमाम, अगर जब आप ये कहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है हम आपके राइट्स आपको दिलाते हैं, तो हम तमाम ये कहें कि हम तमाम के राइट्स में सबसे बुनियादी राइट, सबसे बुलंद राइट हमारे इस्लाम की, हमारी ईमान की हिफाजत है। हमारे मुसलमानों में कोई एक बच्चा भी पीछे नहीं रहेगा जो इस बात का सौदा कर दे कि मेरी इज्जत और आबरू की हिफाजत हो और अल्लाह के नबी पर कोई ताना तशनी किए जाए या फिर कोई अल्लाह के नबी के खिलाफ अपनी जबान से गुस्ताखाना कलिमात अदा करें। हम तमाम यहां पर लिखकर आप उनसे डंकी की चोट पर यह बात कहें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि हम तैयार हैं इस बात के लिए कि हमारे राइट्स में सबसे बुनियादी राइट अल्लाह के नबी की मोहब्बत है। हम तमाम के लिए, हमारी ईमान, हमारा यानी इज्जत और आबरू बाद में है, हमारे माल की हिफाजत बाद में है, तमाम पीछे रख दो और अल्लाह के नबी की मोहब्बत को, अल्लाह के नबी की इज्जत और आबरू की हिफाजत को सबसे आगे रख दो, हम सरखम तस्लीम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सबसे बुनियादी बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यह कहनी हम तमाम के लिए जरूरी है, वक्त आ गया है कहना चाहिए, वरना आगे जाने के बाद हमारी ईमानियत का सौदा होने को तैयार है। हम तमाम अल्लाह के नबी के लिए तैयार हो जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए। तो आप देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो चार कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शंस में आपके सामने पढ़ दूं ताकि मालूम हो कि हम सीधे तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं, लीगल हम कार्रवाई कर सकते हैं जिसके जरिए हमारे अपने ईमान की हम हिफाजत कर सकें, हमारे अपने राइट्स हमको मिल पाए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट्स दिए हैं। आप देखिए सेक्शन 120B में कहा गया है कि पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, कोई भी आदमी किसी भी तरह के क्रिमिनल बात करता है तो ऐसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी पर उसको 2 साल की सजा दी जाएगी। अब उसके बाद 121 में कहा गया कि अटेम्प्टिंग टू वेज वार, अगर कोई आदमी किसी तरह के यानी खदशात पैदा करने की कोशिश करता है, लोगों में लड़ाई पैदा करने की कोशिश करता है, जंगी माहौल बनाता है या फिर समझे कि र्यूमर्स को फैलाता है, तो ऐसे आदमी को 3 साल की सजा दी जाएगी। सेक्शन 121 में यह बात कही गई। अब उसके बाद सेक्शन 153A में यह बात कही गई, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, के इस्लाम मोहब्बत यानी मजहब को लेकर अगर कोई आदमी किसी भी किस्म की इंसल्टिंग बात करता है तो ऐसे आदमी के लिए 3 साल की सजा दी जाएगी और साथ में उस पर जुर्माना भी आयद किया जाएगा। 153A में हम देखिए अब इस रास्ते से हम जा सकते हैं। अब उसके बाद 295A में कहा गया, डिलिबरेट एंड मेलिशियस एक्ट intended to outrage religious feelings of any class in insulting its religion or religious values or beliefs, agar koi kisi mazhab ke qawaneen ko lekar, qaidon ko lekar, kisi mazhab ke ehsasat aur unke aqaid ko lekar kisi bhi qism ka samjhe ke insult karta hai to aise aadmi ke liye 3 saal ki saza di jayegi। ab isi tarah sirf ye mamla unke sath nahi balki agar koi media ka galat istemal karte hue promote karta hai to uske bare mein section 505 mein kaha gaya ke statements conducting of public mischief, पब्लिक के अकायद को बिगाड़ने के लिए, पब्लिक के पीस को बिगाड़ने के लिए अगर कोई इस तरह के चैनल्स को चलाता है या फिर इस तरह की बातों को लोगों में आम करता है, वो प्रिंट मीडिया हो या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, किसी भी तरह से काम करता है, तो ऐसे आदमी को 3 साल की सजा दी जाएगी। ये रास्ते हमारे लिए हैं, अल्लाह के नबी का डिफेंड इस रास्ते से हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपनी जबान से जो चाहे कलिमात अदा कर दिए, बल्कि काम करना है तो पुख्ता करना है, ये अल्लाह के नबी की तालीम है। कोई भी काम करो पुख्तगी के साथ करो। तो लिहाजा इन सेक्शन को हम जानने की कोशिश करें। कुछ मैंने आपके सामने बयान किया, और भी 10-15 सेक्शन है जो हमारे रिलीजन से मुतालिक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट से मुतालिक है, उनको आप भी जानने की कोशिश करें। तमाम को समझे कि आज कोई मालूम करने के लिए कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं, बल्कि आप गूगल ओपन करें, सेक्शंस वहां पर तलाश कर लें। उर्दू में किताब मौजूद है हिंदुस्तानी आईन के नाम से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इंग्लिश में किताबें मौजूद हैं। तमाम आप पढ़ें और अपने राइट्स को, अपने हुकूक को हासिल करने की कोशिश करें। अगर कोई भी कहीं भी बैठकर आपके रिलीजन को, रिलीजन के बारे में बुरा भला कहता है, आपको हक हासिल है, सारी उम्मत एक तरफ, आप एक तरफ, आप जाकर वहां पर पिटीशन डाल सकते हैं, आप उसको सजा दिला सकते हैं, इतना हक
और इतनी जुरात आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये मामला एक मुसलमान का होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों की इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और आबरू पर जिस किस्म की आँच आ रही है अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उसके लिए काफी हो जा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों को एक और नेक होने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अकुलु कौली हादा अस्तगफिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्ली दम फस्तगफिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى